इससे पहले कोई डोसा इतना खराब नहीं हुआ, ये तो सच में चिपक गया। पहला डोसा बर्बाद हो गया। कट करो, कट करो, कट करो इसे। राधे बड़ी खतरनाक कुक हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस खाने को झेलने वालों के लिए इसे थोड़ा कम खतरनाक बना दूँ। डोसे के लिए आज मेरा दिन ठीक नहीं है, पर ये फिर भी स्वादिष्ट होगा। ये लीजिए, होटल वाला गोल गोल डोसा तैयार है, खाइए और फिर हाँ हो हाँ कीजिए। इनको शूट कीजिए। अरे वाह, बहुत जल्दी सीख गई आप तो। हाँ, इस आटे को मैंने खुद गूंथा है। ये वाला कौन खाएगा? जाहिर है वही जो पहले से ही मेरे खाने के गुलाम है, मुझे उन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तो हाँ बोल नहीं रहा। मैं इसमें पैक करके दूं आपको। लीजिए, जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाइए। रागी महिलाओं के खाने के लिए सबसे बढ़िया अनाज है, तो मिलेट या मोटे अनाज हमारी सेहत का समाधान है, हमारी मिट्टी की सेहत के भी, और ये पक्का करने के लिए कि दुनिया में कभी कोई अकाल ना पड़े और कभी कोई भूख से ना मरे। आइए इसे संभव बनाएं। नमस्कारम, ये साल मिलेट का साल है। वैसे हम बचपन से ही मिलेट का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है कि हम इसे पूरी आबादी तक पहुंचाएं, पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, चाहे ये कैसे भी करना पड़े, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर हम लोग large scale human health which has become a serious problem and the nutritional deficiencies, बड़े पैमाने पर इंसानों की सेहत को देखें जो कि एक गंभीर समस्या बन चुकी है, और एक ही तरह का अनाज खाने से जो पोषक तत्वों में कमी आई है, और ये जो सारी दुनिया में एक महामारी की तरह फैलती डायबिटीज की बीमारी है और खासतौर से भारत में है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मिलेट या मोटे अनाज की खेती चावल और गेहूं की तुलना में मिट्टी में फिर से जान फूंकने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है, जो कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले अनाज बन गए हैं। मिलेट एक बहुत बड़ा फर्क लेकर आएगा, और ये धान और गेहूं की तरह ज्यादा पानी पीने वाली फसल नहीं है। गेहूं और धान असल में डेल्टा में उगाई जाने वाली फसलें थीं, और उन्हें वैसा ही रहना चाहिए था। धान केवल डेल्टा क्षेत्रों में बोया जाता था, जहां प्राकृतिक रूप से पानी का एक ठहराव होता था और लोग इन प्राकृतिक स्थितियों का उपयोग करते थे। पर आज हम इसे पैदा करने के लिए दूसरी जमीनों पर जमकर सिंचाई कर रहे हैं। ये तरीका न केवल पानी बड़ी मात्रा में खर्च करता है, बल्कि इससे मिट्टी भी कई तरह से नष्ट होती जा रही है। मिलेट का उपयोग इंसानों के स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत बढ़िया बदलाव लेकर आएगा। मेरी बेटी राधे, जो चेन्नई में रहती हैं, सिर्फ चावल पर जीती हैं। ये जो भी खाती हैं, इडली में चावल है, डोसे में चावल है, पोंगल में चावल है, चावल चावल चावल, ऐसा चेन्नई में है। तो मैं उन्हें थोड़ा सा मिलेट खाना सिखा रहा हूँ, और ये बात पक्की है कि ये बड़ी खतरनाक कुक हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो इनका खाना खाते हैं उनके लिए थोड़ा खतरा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस खाने को झेलने वालों के लिए इसे थोड़ा कम खतरनाक बना दूँ। और ये रहा रागी डोसा। रागी इस उपमहाद्वीप का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अनाज है, और खास तौर से पता है, जब हम कर्नाटक में बड़े हो रहे थे तो ये हर जगह रोजाना खाया जाता था, पर क्या पता कैसे इसका गलत प्रचार हो गया कि ये तो गरीब लोगों वाला खाना है और ये आपको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दिलाता, पर ये आपको स्वास्थ्य, खुशहाली और पोषण दिलाता है। मैं दुनिया भर में आप सभी महिलाओं को ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि रागी आप महिलाओं के खाने के लिए सबसे बेहतरीन अनाज है। ये मिलेट महिलाओं के लिए सबसे जबरदस्त चीज है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, सारे अनाजों में सबसे ज्यादा, और बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन भी होता है, जिसकी कमी एक समस्या है। पूरी दुनिया में, खास तौर से महिलाओं में, खून की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ हड्डियों का कमजोर होना भी एक ऐसी समस्या है जो कि एक औरत के जीवन में कुछ खास पड़ावों पर हो जाती है। रागी इन दोनों समस्याओं में एक जबरदस्त फर्क ला सकती है। तो ज्यादातर घरों में कुकिंग, मेरा मानना है,
हाँ, अगर आप ऑनलाइन ऐप से मंगा कर ना खाते हो तो तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी ज्यादातर कुकिंग महिलाओं द्वारा की जाती है और उन्हें इस अनाज को चुनना चाहिए और पक्का करना चाहिए कि हर कोई ये खाए। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए अच्छा नहीं है, ये सभी के लिए अच्छा है, पर मैं कह रहा हूँ एक स्त्री के लिए इसके विशेष फायदे हैं, क्योंकि पोषक तत्वों में कमी, कुछ खास मानकों में ये कमी एक ही तरह का अनाज खाते रहने से हुई है और हर कोई पोषण के दूसरे पहलुओं को बहुत अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर सकता। तो उन सभी लोगों के लिए रागी एक जबरदस्त अंतर ला सकती है। आज भारत में भारत सरकार ये नया शब्द लेकर आई है जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है। ये एक पारंपरिक शब्द रहा है पर इसे वापस इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसे श्री अन्न कहा जाता है और यहाँ ईशा योग केंद्र में हफ्ते में कम से कम 5 दिन हर कोई मिलेट खाता है और हम लोकल किसानों और किसान उत्पादक समूहों को मिलेट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और मिलेट की खपत धीरे धीरे हमारे आसपास बढ़ भी रही है, लेकिन ऐसा पूरे के पूरे देश में होना चाहिए। एक स्वस्थ आबादी और स्वस्थ मानवता बनाने के लिए ऐसा सारी दुनिया में होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये डोसा, आमतौर पर पहला डोसा खराब हो जाता है। कट इट, कट इट, कट। मिलेट को पकने में समय लगता है, इसे थोड़ा ज्यादा पकाते हैं। कम से कम इस रूप में इसे पकने के लिए चावल से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये बड़ा धीरे धीरे पचने वाला अनाज है, यानी आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर आप मिलेट खाते हैं ये अपने ग्लूकोज वाले हिस्से को बहुत धीरे धीरे छोड़ता है, इसलिए खास तौर से जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिनकी जिंदगी डायबिटीज की वजह से खतरे में है, आपके लिए रागी है। और दूसरे मिलेट भी हैं जो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत जल्दी सीख गए हैं आप। हाँ, जब हम कर्नाटक में ट्रैवल करते थे तो रास्ते में बहुत सारे रागी मुद्दे खाते थे, पर आज उस तरह के रागी मुद्दे खाने को नहीं मिलते और वो बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे, खाने में आसान। पर आज ज्यादातर जगह पर जो मिलते हैं आप उन्हें खा ही नहीं सकते। तो क्या ये खेती की वजह से है या पकाने के तरीके के? नहीं, पकाने में आज लोगों की आदत छूट गई है। अब उन्होंने कुछ कुकर बना लिए हैं, जैसे चावल का कुकर होता है, अब उनके पास रागी मुद्दे वाला कुकर आ गया है जिसमें आप उनको पका सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर रागी मुद्दे बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है और इसको अच्छे से गूंथना पड़ता है। जब ये पक रहा हो तो इसे अच्छे से फेंटना पड़ता है, नहीं तो ये उतना अच्छा नहीं बनेगा। पर आज आप देखेगा मैं रागी की रोटी बनाऊंगा, ये बहुत टेस्टी होती है और मुद्दे की तुलना में बनाने में आसान है। लेकिन रागी मुद्दे जिस तरीके से उसे खाया जाता है अपने आप में बड़े अनोखे होते हैं। आमतौर पर सिर्फ कर्नाटक में ही लोगों को इन्हें खाने का सही तरीका पता है। तमिलनाडु में लोग इसे चावल की तरह मिलाकर खाते हैं, पर कर्नाटक में हम इन्हें छोटी छोटी गेंद बनाकर करी में डुबोकर बस ऐसे ही निगल जाते हैं, बस थोड़ा सा चबाते हैं। तो खाने का ये अनोखा तरीका है। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें खेत पर काम करना होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, रागी एक मोटा अनाज है जो कि धीरे धीरे पचता है। तो अगर आप इसे उस तरीके से खाएं, मतलब इसको आप बस किसी करी में डुबोकर या जो भी चीज़ आपने बनाई है, असल में होता ये है क्योंकि आप उसे ज़्यादा चबा नहीं रहे हैं तो इसका पचना और भी धीमे होगा। तो अगर आप सुबह सुबह रागी मुद्दे खा लें या एक बड़ा सा रागी मुद्दे सुबह खा लें और फिर पूरे दिन जुताई करते रहें, खेत पर काम करें, 8 घंटे काम करें, यह आपको चलाता रहेगा। आपको भूख और कमजोरी का आभास नहीं होगा क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे घुल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने समझ ली थी कि अगर आप इसे चबा कर खाएं तो ये जल्दी पच जाएगा। तो वो इसको छोटी छोटी बॉल्स की तरह बनाते थे और ऐसे ही निगल जाते थे।
तो जिन लोगों को बाहर खुले में काम करना होता था, जिनको जब मर्जी आए खाना नहीं मिल सकता था, उन्होंने ये सारे तरीके थे जिनको इन चीज़ों पर गौर करके ढूंढ निकाला था। तो ये है रागी की रोटी। इसके लिए आपको एक छोटा सा केले का पत्ता चाहिए या फिर आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ज़रूरी चीज़ ये है कि आप रागी का आटा लें और उसे थोड़ा भाप में पका लें, जैसे आप इडली स्टैंड में भी कर सकते हैं। इसको बस थोड़ा सा भाप में पका लीजिए और फिर स्वाद के लिए इसमें और भी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे इस वाले में धनिया है। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज, घिसा हुआ नारियल, थोड़ी सी बारीक कटी हुई मिर्च स्वादानुसार जितनी आपको चाहिए, और जाहिर है थोड़ा सा नमक, और बूम, लीजिए आपका बढ़िया नाश्ता तैयार है, या लंच या डिनर, जैसा भी आप चाहें। आप सभी देखने वालों के लिए एक छोटी सी सावधानी, ये आटा विशेष रूप से मैंने खुद गूंथा है और इसमें कुछ लाजवाब स्वाद मिलाया है। तो सावधानी और चेतावनी वाली बात यह है कि अगर आपने ये रागी रोटी खा ली तो आप जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बन सकते हैं। तो मैं ये पहले से ही आपको सावधान कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप पहले से ही इसके लिए तैयार नहीं हैं तो मेरी रागी रोटी मत खाइएगा। इसको कौन खाएगा? कौन गुलाम बनना चाहता है? कोई हाँ नहीं बोल रहा है तो तो जाहिर है जो पहले से ही गुलाम है मुझे उसी को देना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई हाँ बोल नहीं रहा है। और ये परोसा जाएगा लाल चटनी के साथ। जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाइए। तो ये हैं अलग अलग तरह के मिलेट जो कि यहाँ आसपास के इलाके में उगाए जाते हैं। रागी है, सामे, सज्जे, वर्गु, कंबू, ये सारे तमिल नाम हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इनके अलग अलग क्षेत्रों में अपने नाम हैं। तो ये 6 प्रकार के मिलेट का पैकेज है, और अगर आपको नहीं पता कि इन्हें कैसे पकाना और बनाना है तो आप इन्हें बस चावल की तरह पका कर खा सकते हैं या इनकी चपाती बना सकते हैं। पर एक और पैकेट है जिसे संजीवनी कहते हैं। इसमें 14 प्रकार की सामग्री मौजूद है। ये सारे मिलेट हैं और कई तरह की दालें हैं, चने हैं, कुछ सूखे मेवे हैं और उस तरह की चीज़ें हैं। 14 प्रकार की सामग्री है जो कि इसको एक संपूर्ण आहार बनाता है। इसको बस ऐसे ही आप इसे पानी में उबाल कर पी सकते हैं या इसकी रोटी भी बनाकर खा सकते हैं, और भी कई तरीके से इसे खाया जा सकता है। तो आप में से वो जिन्हें कुछ ऐसा बना बनाया चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर आने के पीछे विचार ये है कि हमें पूरी दुनिया में मिलेट को खाने के लिए एक बड़े पैमाने पर वापस लाना होगा इसके उपयोग को, अगर हम सच में मिट्टी की हालत को पलटना चाहते हैं तो, and also turn human health around in many ways. और कई मायनों में इंसानों के स्वास्थ्य को भी, क्योंकि जैसे जैसे देश विकसित होते हैं, समृद्ध होते जाते हैं, वो सेहत की देखभाल पर बेशुमार पैसा खर्च करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक देश समृद्ध हो जाता है तो उसके पास पोषण और जीवन शैली दोनों की चॉइस होती है, और जब पोषण और जीवन शैली की चॉइस मौजूद हो तो आमतौर पर आपको बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, आपको इसका ख्याल रखना ही चाहिए। पर दुर्भाग्य से देश जितने ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। ये भी एक वजह है कि क्यों हम ये देख रहे हैं कि मिलेट को हर किसी की डाइट में कैसे शामिल करवाया जाए, और इसमें रुचि लेने की बुनियादी वजह यह है कि मिट्टी स्वस्थ रहे। इससे दुनिया में मिट्टी को फिर से जिंदा करने में, मिट्टी को फिर से वापस लाने में एक बड़ा अंतर आ सकता है। अगर जितना अनाज हम खाते हैं उसका 50-60% मिलेट हो जाए, और बड़ी आसानी से इन्हें हर तरह की मौसमी परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि दुनिया में अकाल नाम की कोई चीज़ ही न रह जाए, अगर हम वाकई मिलेट की खेती बड़े पैमाने पर करें और इसमें दुनिया का हर क्षेत्र शामिल हो जाए, और साथ ही अपने खान पान की आदतों में थोड़ा बदलाव कर लें। अगर हम ये सब करें तो हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमें बार बार दुनिया को जिन दर्दनाक अकालों से गुजरते देखना पड़ता है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अभी अन्न एक जगह उगाया जाता है और लोग उसे 5,000 मील दूर खाते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बुनियादी भोजन को वहीं उगाया जाना चाहिए जहां लोग रहते हैं, और मिलेट इसका समाधान है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में उग सकता है, हर तरह की मिट्टी में, हर तरह के मौसम में, तरह तरह की जलवायु परिस्थितियों में मिलेट की खेती हर जगह हो सकती है। और आप इसे बहुत कम पानी में उगा सकते हैं, तो मिलेट समाधान है हमारी सेहत का, हमारी मिट्टी की सेहत का, और ये पक्का करने के लिए कि दुनिया में कहीं कोई अकाल ना पड़े और किसी की भी मृत्यु भूख की वजह से ना हो। आइए इसे संभव बनाएं।